स्कूल छोड़ने के बाद मैं डीजे कॉलेज ज्वाइन किया। डीजे कॉलेज ज्वाइन करने के बाद मैंने वहाँ से भी फर्स्ट डिवीजन ली। मैंने एनएडी में अप्लाई किया, आर्मी में अप्लाई किया, एयरफोर्स में अप्लाई किया, नेवी में अप्लाई किया और डीजे की बीएससी में भी अप्लाई किया। जब रिजल्ट्स आए तो मैं सब चीज़ों में क्वालिफाई था। अब जब मैं वालिद साहब के पास गया कि अब्बा जान मैं क्या करूँ, किसको ज्वाइन करूँ, तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने बोला बेटा जैसा मैं तुम्हें जानता हूं, जो तुम हो, अगर तुम ऐसे ही रहे तो तुम कहीं भी चले जाओ इन पांच चीजों में से तुम टोटली कामयाब रहोगे। आई विश ऑल पेरेंट्स लाइक यू हु आर सिटिंग हियर, आपका भी अपने बच्चों पे यही कॉन्फिडेंस होगा और यही कॉन्फिडेंस आप अपने बच्चों पे भी पास करेंगे। नेवी में 40 साल की सर्विस करने के बाद जब मैं रिटायर हुआ तो मुझे 3 साल के लिए एम्बेसडर भेज दिया गया। अब सऊदी अरेबिया में एम्बेसडरशिप, कहाँ फौज की चीफ की नौकरी और एम्बेसडरशिप की नौकरी, टोटली 180 डिग्रीज आउट। बल्कि अगर मैं कहूँ कि जी और एक 180 कर ले तो 360 डिग्रीज आउट। लेकिन अगर आप मेहनत करें, टॉलरेंस रखें, तो आप हर चीज़ में कामयाब हो सकते हैं। तो ये जो था फौज की नौकरी से सडनली एम्बेसडरशिप के अंदर, ये बहुत बड़ा चेंज था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह वो भी खुश अफसलूबी से मैं उसमें भी कामयाब रहा। अब इसके बाद मैं आता हूँ माय फैमिली। मेरे पेरेंट्स और हम पांच बहन भाई, हम 1948 में हैदराबाद दक्कन से माइग्रेट होकर के कराची आए थे। हैदराबाद दक्कन में हमारे पेरेंट्स या हमारी फैमिली जो थी, दे बिग लैंडलॉर्ड्स, बट माय फादर migrated for the sake of Pakistan. And till he got the job in the Navy, for that 1 year when he didn't have the job, we lived by selling the jewelry of my mother. ये सिर्फ मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, ये नहीं कि मैं इम्प्रेस कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी मॉनेटरी हैसियत कुछ नहीं है, आपकी आगे की मेहनत और अल्लाह ने आपके क्या नसीब बनाए वो असल चीज है। बाद में सवाल में सब बाद में, एक्चुअली सवाल में ज्यादातर स्टूडेंट से लूंगा, आप भी यू आर वेलकम। इसके बाद मैं कहूंगा कि घर में मेरे वालिद साहब जो थे वो बड़े स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन थे, लेकिन उनका जो काउंटर करती थी वो मेरी वालदा थी, इंतहाई नरम मिजाज। तो अल्लाह मियाँ ने जोड़ी सही बनाई थी, एक सख्त थे तो एक नरम थे। माँ की तो बदल है ही कोई नहीं, लेकिन मेरे फ्यूचर में बनने में मेरे वालिद साहब का बहुत बड़ा हाथ। अगर पेरेंट्स बच्चों पे ध्यान दें, मेहनत करें, तो कोई बई नहीं है कि उनके बच्चे क्यों ना कामयाब हों जिंदगी में। वालिद साहब उस वक्त एमएससी होते थे फिजिक्स एंड मैथ्स में, जो कि उस जमाने में ऑलमोस्ट नायाब था। खुद हमें पढ़ाते थे घर पे, खुद होमवर्क कराते थे, हर महीने प्रिंसिपल हैदर साहब के ऑफिस में होते थे प्रोग्रेस पूछने के लिए बच्चों का। तकरीबन सारा इंटरेस्ट उनका हमारे पांचों की पढ़ाइयों पर, पढ़ाई पर था। इसलिए हमारे घर में एटमॉस्फेयर जो था वो तालीमी माहौल था। इसी वजह से मेरी बड़ी बहन जो थी उसने मैट्रिक में कराची बोर्ड में टॉप किया, इंटर में टॉप किया, मैं पब्लिक स्कूल में स्कॉलरशिप गेन की, बाद में इंटरमीडिएट में फर्स्ट डिवीजन था। इसी तरह से मेरा सबसे छोटा भाई जो इस वक्त अमेरिका में बहुत बड़ा रिसर्च साइंटिस्ट है, ही वॉज ऑल्सो टॉप स्टूडेंट। एंड दिस ऑल गोज
और ये सब मुमकिन जब ही था जबकि माँ बाप ने घर में माहौल ही ऐसा बनाया हुआ था। पढ़ाई के अलावा जो माहौल था मेरे वालिद का वो था स्पोर्ट्स, और इसी वजह से हम तीनों भाई जो थे हम सब स्पोर्ट्स में अच्छे थे। यहां पे मैं अपने वालिद साहब की एक एडवाइस, रादर दो एडवाइस हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली चीज तो यह है कि मैं कोई सातवीं जमात में था तो हम एक दफा मनोरा बीच पे पिकनिक के लिए गए, तो उन्होंने मुझे रेत में अपने साथ में बुलाया, मैं सातवीं जमात में था, तो उन्होंने समंदर की तरफ इशारा किया और कहने, बेटा हम शिप में हिंदुस्तान से यहां आए, अपना घर बार छोड़ा है, रिश्तेदारों को छोड़ा है, दोस्तों को छोड़ा है, अब ये हमारा मुल्क है पाकिस्तान, तुमने जो कुछ करना है इस मुल्क के लिए करना है, और इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये कि तालीम जो है अच्छी से अच्छी हासिल करना, क्योंकि तालीम और एजुकेशन और काबिलियत आपकी कोई छीन नहीं सकता। और दूसरी चीज इस कंट्री में और दुनिया में फ्यूचर में मैं देखता हूं कि यहां पे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होगा, आप अगर एवरेज होंगे तो भी कामयाब नहीं होंगे, अगर आप अबव एवरेज होंगे तो भी कामयाब नहीं होंगे, आउटस्टैंडिंग और एक्सीलेंट से नीचे तो आपकी जिंदगी में कामयाबी होगी नहीं। और अगर आप ये ना करें जो मैं कर रहा हूं तो आपको जाने के लिए वापस हिंदुस्तान के लिए कोई जगह नहीं है, आपको सिर्फ इस समंदर में आके डूबना होगा। अब ये बड़े स्ट्रांग वर्ड्स हैं लेकिन ये अब तक मुझे याद है, और हर जगह जहां भी मेरा कॉम्पिटिशन आया या इम्तिहान आया मैं हमेशा इसी स्पिरिट से करता था कि आई हैव टू बी एक्सेलेंट। मैं इसलिए ये एडवाइस कर रहा हूं कि देखिए मेरे माँ बाप की एक सिंपल सी एडवाइस मुझे कैसी हेल्पफुल रही है। इसी तरह से मुझे उम्मीद है कि आप माँ बाप भी इसी तरह की कभी एडवाइस ने अपने बच्चों को याद रखिएगा कि वो उम्र भर उसको याद रखेंगे, और कई दफ़ा सिंपल एडवाइस आपकी ये उनकी कामयाबी का रीज़न भी हो सकता है।